नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे हैरान कर देने वाली कीड़े के बारे में जिसने वैज्ञानिकों को एक बार दो बार नहीं बल्कि चार बार नोबेल प्राइज दिलाया है। इस एक मिलीमीटर के जीव ने 2024 में नोबेल पुरस्कार दिलाने की भूमिका तो निभाई ही, इसके अलावा कब कब इस कीड़े ने वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिलाया, सब कुछ हम जानेंगे और इस एक मिलीमीटर कीड़े के बारे में भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि साल 2024 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और इस सम्मान को पाने वाले वैज्ञानिक आमतौर पर अपने दोस्तों, साथियों, माता पिता या किसी अन्य खास व्यक्ति का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई नोबेल प्राइज पाने वाला व्यक्ति अपनी स्पीच में एक कीड़े का जिक्र भी करे। दोस्तों, इस साल मेडिसिन का नोबेल प्राइज लेते वक्त मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट गैरी डुवकुन ने कुछ मिनट एक छोटे से कीड़े को भी अपने नोबेल प्राइज के लिए समर्पित कर दिया। सबसे पहले इस नन्हे कीड़े के बारे में जान लेते हैं, फिर कब कब इसने नोबेल प्राइज दिलाने में भूमिका निभाई वह भी जानेंगे। एक नन्हा माइक्रोस्कोप कीड़ा जो धरती पर जीवन के कई रहस्यों को समझने में मदद करता है, उसका नाम है केनोर हेविडिटिस एलिगेंस। ये एक छोटा और बिल्कुल सीधा दिखने वाला कीड़ा है जो सिर्फ एक मिलीमीटर लंबा होता है और दोस्तों यह मिट्टी में रहता है। इस छोटे कीड़े को सी एलिगेंस भी कहा जाता है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है जिससे इसका पूरा शरीर देखा जा सकता है। सी एलिगेंस के पास एक सरल जीव रूपी तनाव होता है जो शोध में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। सी एलिगेंस पर प्रयोग और शोध के माध्यम से हम अनेक बीमारियों और जीवन की प्रक्रिया को समझ पाते हैं। ये कीड़ा जीनोम मैपिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के मामलों में भी काफी मददगार साबित होता है। इस छोटे कीड़े की मदद से मानव जीनोम के बारे में भी गहन अध्ययन किया जा सकता है और इसीलिए इस वर्ष 2024 में नोबेल प्राइज लेते वक्त गैरी डुवकुन ने सी एलिगेंस नाम के इस छोटे से वर्म को ढाकर कह डाला। इस शब्द को सुनकर सब दंग रह जाते हैं, मानो एक छोटी सी कीड़ा कैसे नोबेल प्राइज दिला सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब कीड़े ने इंटरनेशनल लेवल की सुर्खियां बटोरी हो, ना ही यह पहली बार है जब सी एलिगेंस वर्म को किसी पुरस्कार को जिताने के लिए नामजद किया हो और ना ही यह पहली बार है जब नोबेल प्राइज के साथ इस छोटे से कीड़े का नाम जुड़ा हो। मिट्टी में रहने वाले इस छोटे से निमेटेड या कृमि के लिए यह चौथी बार होगा जब इसने बिना किसी निजी फायदे के नोबेल पुरस्कार जिताया है। दोस्तों, इस छोटे से जीव ने सबसे पहले 2002 में एक खोज में साइंटिस्ट की मदद की थी जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद साल 2006 में जीन साइलेंसिंग को नोबेल कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया, यानी वो प्रोसेस जिसे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसका संबंध इस बात से है कि कोशिका के भीतर कब कौन सा जीन काम को अंजाम देगा। इसके बाद दोस्तों 2006 के ही दो साल बाद केमिस्ट्री का पुरस्कार भी इस निमेटोड पर हुए एक रिसर्च के लिए दिया गया था। में सेलुलर लेंटर्स अपनी भाषा में कहे तो कोशिकीय लालटेन खोजी गई थी जिनकी मदद से बायोलॉजिस्ट कोशिका के अंदर के कामकाज को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। दोस्तों, बताया जाता है कि हर बार नोबेल प्राइज पाने के बाद साइंटिस्ट अपनी खोज में इस कीड़े का धन्यवाद देना नहीं भूलता। दोस्तों, यह छोटा सा कीड़ा इतनी अहम क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इस निमेटोड में 959 कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी हम इंसानों के मुकाबले इस पर शोध करना बहुत आसान होता है क्योंकि दोस्तों इंसानों में अरबों कोशिकाएं होती हैं जिनके कामकाज को जन्म से मृत्यु तक देखना अत्यंत कठिन कार्य होता है। वहीं इस निमेटोड की कोशिकाएं को पैदा होने से लेकर मरने तक साइंटिस्ट ने ट्रेस किया है। दरअसल दोस्तों, जब रिसर्च किया जाता है तो कुछ जीव या ऑर्गेनिज्म सटीक बैठते हैं, जैसे आपने मेंडल के मटर के पौधे के बारे में पढ़ा ही होगा जिन पर अनुवांशिकी के प्रयोग किए गए थे, यानी कोई जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचती है। वहीं ऐसे शोध जीव में फ्रूट फ्लाई या फ्लो पर लगने वाली छोटी मक्खी पर किए जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका जीवन काल तुलनात्मक तौर पर कम होता है और इनकी अनेक पीढ़ियों को एक साथ समझा जा सकता है। ऐसे ही इस छोटे कीड़े निमेटोड भी कई प्रयोगों के लिए एक आदर्श जीव है, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों यह लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर कुछ पारदर्शी से हो जाते हैं और इसके जीवन के विकास का पूरा चक्र तकरीबन 3 दिन का होता है। मतलब यह दोस्तों कि इसका बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब 3 ही दिनों में समझा जा सकता है। और दोस्तों, यह पहला ऐसा निमेटोड कीड़ा भी बना जिसका जीनोम 1998 में पूरी तरह समझा गया था। मतलब यह दोस्तों कि इसके बारे में काफी कुछ जानकारी पहले से मौजूद थी जिस कारण रिसर्च करना बहुत ही आसान हुआ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।